Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you functions of educational philosophy. देखिए पहले भी आपसे शैक्षिक दर्शन पे बात हुई है कई बार आई थिंक और मैंने एक बार फंक्शंस आपसे डिस्कस भी किया था, लेकिन वो तब मैंने आपसे पॉइंट वाइज डिस्कस किया था कि शैक्षिक दर्शन का काम क्या क्या है, क्या क्या किन किन कार्यों में वो संलिप्त रहता है. लेकिन कभी कभी एजुकेशनल फिलोसफी आपके कोर्स में ऐसे भी दिया रहता है, फंक्शंस उसके ऐसे दे रहते हैं स्पिक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड क्रिटिकल, तो आपको उस हिसाब से उसका उत्तर देना होता है. तो अक्सर क्या होता है प्रॉब्लम इसमें कि हमको ये मैटर नहीं मिलता है. तो अगर शॉर्ट नोट्स पे बहुत पूछते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेक्युलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी या नॉर्मेटिव या क्रिटिकल या तीनों एक साथ, तो इन हेडिंग्स के तहत मैंने आपसे एजुकेशनल फिलॉसफी के कार्य डिस्कस नहीं किए थे, पहली बात. दूसरी बात कि जितने भी काम हैं शैक्षिक दर्शन के, जो पहले भी आपसे जिन पर चर्चा हो चुकी है, उनको आप इन्हीं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. या तो वो स्पेक्युलेटिव होगा, या नॉर्मेटिव होगा, या क्रिटिकल होगा. तो क्या है ये जान लेते हैं. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज ए गाइडिंग, स्टीयरिंग एंड लिबरेटिंग फोर्स. इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो गाइड करता है कि कैसे चलना है, किस रास्ते चलना है. स्टीयरिंग, जैसे स्टीयरिंग चलाते हैं कि दिशा निर्धारित करना, और लिबरेटिंग एक तरह से मुक्त करता है हमको, फोर्स है दैट हेल्प्स यंग पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स. आपको पता है कि फिलोसफी क्या है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है, जो हमको बताती है कि किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है. तो ये यंग पीपल का मतलब यहाँ स्टूडेंट से ही है, और समाज को ये बताती है कि जो आधुनिक समय के चैलेंजेस हैं उनको हमको कैसे फेस करना है. इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हिज गोल एंड डे टू डे रूटीन वर्क एंड डेवलप ए क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन ए डाइवर्स सोसाइटी. ये भी मदद करती है इंडिविजुअल की ये समझने में कि क्या संबंध है उसके लक्ष्य जो जीवन का है और उसके जो डेली रूटीन है उनके बीच में क्या संबंध है, और एक क्रिटिकल एटीट्यूड, एक आलोचनात्मक एटीट्यूड हमको डेवलप करने में मदद करती है, जिससे कि हम एक इतने विविधतापूर्ण समाज में जीवन के प्रति एक क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप कर सकें. अकॉर्डिंग टू ब्रूबेकर, देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रूबेकर का ही दिया हुआ है. उन्होंने कहा कि एजुकेशनल फिलोसफी के कामों को आप तीन डिफरेंट फंक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन कौन से? स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड क्रिटिकल. The speculative role explores theories of education, its nature and causes. जो इसका speculative role है वो theories of education को explore करता है, उसका nature, उसकी प्रकृति, उसके कारण बताता है. जो normative role है वो set करता है priority, expectation और standards. और जो critical function है वो ये scrutinize करता है कि जो education में practices और concepts चल रहे हैं उनकी scrutiny करता है, मतलब उनकी काट छाट करता है, उनको बताता है कितना सही है कितना गलत है. देखिए अब एक एक करके चलेंगे तो आप समझ पाएंगे. नॉर्मेटिव फिलोसफी या नॉर्मेटिव फिलोसफी ऑफ फंक्शन, नॉर्मेटिव फंक्शन या नॉर्मेटिव फिलोसफी से आप ये समझिए बना कहाँ से है. नॉर्म से बना है. नॉर्म का क्या मतलब होता है? नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि नॉर्मेटिव फिलोसफी वो फिलोसफी होगी जो हमको ये नॉर्म्स बताएगी, मतलब हमको बताएगी क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमको नॉर्मेटिव फिलोसफी बताती है. द वर्ड नॉर्मेटिव रिफर्स टू द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स. So the normative function of philosophy means, ये इसका काम क्या हुआ कि ये मानक तय करेगी, गोल निर्धारित करेगी, सिद्धांत बनाएगी, मानक बनाएगी. फिलोसफी एक्सप्लेन्स द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड सेट्स द गोल्स फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल वेज ऑफ अटेंडिंग देम. यानी कि दर्शन का काम क्या है कि मनुष्य के जीवन के मूल्य तो बताता ही बताता है, और उसके जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान करते हुए जो उसके लिए लक्ष्य निर्धारित है वहां तक जाने का प्रैक्टिकल मार्ग भी बताती है. By applying these norms, we can decide things to make the right decisions. और इन norms को follow करते हुए, apply करते हुए, जो मनुष्य है वो सही निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है. As Professor V. R. Taneja writes, इन्होंने कहा कि when a man is faced with difficulties, जब एक मनुष्य के सामने कठिनाइयां आती हैं, strain आता है, stress आता है, contradictory situation आती है, एकदम विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, unforeseen circumstances, ऐसी परिस्थिति आ गई जो पहले कभी आई ही नहीं है,
और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये जो फिलॉसफी है, ये मतलब कि नॉर्मेटिव फिलॉसफी, ये हमको बताती है प्रोस एंड कॉन्स कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, एंड अराइव एट द करेक्ट सोल्यूशन, और सही समाधान पर पहुंचने में हमारी मदद करती है. इन द एब्सेंस ऑफ दीज नॉर्म्स द टीचर द एडमिनिस्ट्रेटर और द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज फेल टू मेक द राइट डिसीजंस. और अगर ये नॉर्म्स ना हो तो जो शिक्षक है, जो प्रशासक है वो, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको कितनी मुश्किल होगी, वो असफल हो जाएगा सही निर्णय लेने में. तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मेटिव फिलॉसफी का रोल कितना महत्वपूर्ण है. फिर और क्या है नॉर्मेटिव फिलॉसफी? फिलॉसफी कंबाइंस विद एजुकेशन. हम तो एजुकेशनल फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि आप जानते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, विद एजुकेशन, एंड देन इट हेल्प्स द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ एवरीथिंग एंड दैट हेल्प्स देम अटेन देयर गोल्स. ठीक, ब्रुवाकर ने यह भी कहा कि बैलेंस ऑफ माइंड एंड सर्च फॉर प्रिंसिपल्स इज द मेन स्प्रिंग ऑफ फिलॉसफी. यानी कि दर्शन का मुख्य लेना देना किससे है, कि जो आपका मन है वो बैलेंस हो, बैलेंसिंग की स्थिति में हो, और वो प्रिंसिपल्स सिद्धांतों की खोज में हो. तो नॉर्मेटिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न बाय ए सर्टेन एज. यानी बताएगी ना, नॉर्म सेट करेगी, स्टैंडर्ड बनाएगी, तो ये बताएगी कि किस उम्र तक के बच्चे को क्या सीख लेना चाहिए. इट इंक्लूड्स बेसिक फैक्चुअल प्रीमाइसेस अबाउट ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड, एज वेल एज बेसिक नॉर्मेटिव प्रीमाइसेस अबाउट व्हाट इज गुड और राइट. ये बताएगी क्या सही है, क्या अच्छा है. फ्रॉम दीज प्रीमाइसेस कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, जिससे कि निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, कौन से मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो कॉमन फिलोसफीज ऑफ नॉर्मेटिव एजुकेशन में क्या क्या आ गया, जैसे प्रोग्रेसिविज्म आ गया आपका, एसेंशियलिज्म है, क्रिटिकल पेडागॉजी है, मॉन्टेसरी एजुकेशन है, वॉल्डॉर्फ एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, ये सब नॉर्मेटिव एजुकेशन या नॉर्मेटिव फिलोसफी के एग्जाम्पल्स हैं. अब आइए स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है? स्पेकुलेशन का मतलब है जैसे कल्पना करना या चिंतन करना या अटकल लगाना, मतलब स्पेकुलेट करना है. तो रिफ्लेक्शन से मतलब है, चिंतन से मतलब, फिलोसफी अपने आप में चिंतन है. तो वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिलोसफी इज टू स्पेकुलेट. द टर्म स्पेकुलेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पीसियर, जिसका मतलब ही टू रिफ्लेक्ट होता है, चिंतन करना होता है, एंड स्पेक्युलम मिरर. तो स्पेक्युलम सिंबलाइजेस द नोशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्टिवनेस, यानी कि या रिफ्लेक्टेडनेस कहिए इसको, यानी कि ये जो वर्ड की उत्पत्ति है वही यहाँ से हुई कि हम रिफ्लेक्ट अपॉन करें. दैट वे इट लीड्स द एजुकेटर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम कॉमन सेंस अप्रोच टू रेशनल एंड पर्सपेक्टिव अप्रोच. देखिए, हमको तार्किक होना होगा, हमको चिंतन से काम करना होगा, हम कॉमन सेंस अप्रोच से बड़ी बड़ी समस्याओं का, शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते. तो व्हेन फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा हैव बीन कलेक्टेड, एजुकेशनल फिलोसफी असेस एवरीथिंग, यानी कि सबका वो आकलन करती है. दस इट गाइड्स द टीचर बाय गिविंग हिम एन ओवरऑल व्यू ऑफ द होल थिंग. तो जब आप स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, चिंतन कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पनाशील हो रहे हैं, तो सब कुछ टोटैलिटी में आप उसको देखकर एक उसका आकलन लगाते हैं. और इन ए मोर प्रोफाउंड सेंस, स्पेकुलेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स दैट इनकम्पास बोथ नेचुरल साइंसेज एज वेल एज द ह्यूमन साइंसेज. मतलब पूरा स्पेकुलेशन का मतलब है हम सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिवली अपने अस्तित्व को, ब्रह्मांड के अस्तित्व को, ह्यूमन साइंसेस को, नेचुरल साइंसेस को देखें. फर्दर इट इन्फर्स द फिलोसॉफिकल अप्रोचेस एंड ट्रेडिशंस दैट अपील टू मेटाफिजिक्स एंड सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड फ्री विल. हमको पता है कि जैसे ही एग्जिस्टेंस की बात आएगी वैसे ही मेटाफिजिक्स की बात आ जाएगी. तो ये अप्रोच जो है वो मेटाफिजिक्स की ओर भी से भी मिलती जुलती है, उसकी तरफ सोच, उसकी तरह सोचने के लिए हमको बताती है. इन दिस फंक्शन फिलोसफी स्ट्राइक्स अ सिंथेसिस विद इन द अरे ऑफ फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ नॉलेज गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी रिकॉर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ एंशियंट इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स हु हैव स्पेकुलेटेड अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी. एक्चुअली फिलोसफर्स करते क्या है, स्पेक्युलेट ही तो करते हैं ना, कल्पना ही तो करते हैं, अनुमान लगा के हमको बताते हैं कि अच्छा ये रियलिटी का नेचर ये है, एग्जिस्टेंस, हम क्यों आए संसार में, जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है उनके आंसर है ना. तो ये जो फिलोसफी का फंक्शन है वो स्पेकुलेशन के अंतर्गत आ जाता है. क्या करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव फिलोसफी के अंतर्गत आ जाता है. और लास्ट में बचा क्रिटिकल फिलोसफी. तो क्रिटिकल का क्या मतलब है, आलोचनात्मक होना ना, मतलब कि हम आलोचना करने का मतलब गलत के लिए आलोचना नहीं होती, आलोचना कह सकते हैं आप इसको, समालोचना कह सकते हैं, मतलब जो भी देखिए आप उसको सरसरी तौर पर मत देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि से देखिए कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है उसमें से, ये है क्रिटिकल फिलोसफी का मतलब. तो इन इट्स क्रिटिकल फंक्शन
फिलोसफी मेक्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी एस्पेक्ट, यानी कि हर पक्ष का आप एकदम गहराई से अध्ययन करेंगे. इट क्लासिफाइज कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट्स, हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिशेस कंसिस्टेंसी, प्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ आउटलुक एंड इंस्पायर्स लॉजिकल रीजनिंग. दस फिलोसफी एस्टैब्लिशेस फंडामेंटल्स एंड एजुकेशनल इंप्लीमेंट्स. आपको पता ही है कि जो फिलोसफी है वो फंडामेंटल बनाती है और एजुकेशन एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करती है. ये हमने फिलोसफी और एजुकेशन के इंटर रिलेशनशिप में पढ़ा है. द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑल फिलोसफीज टू आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन. और जो शिक्षा के मूलभूत प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का काम फिलोसफी का है. द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू फिट द स्क्वायर पिग इन द स्क्वायर होल एंड द राउंड नॉट इन द राउंड होल, है ना. यानी कि गलत जगह गलत चीज मिसफिट मत कीजिए, जिसके लिए जो बना है उसमें वही फिट कीजिए. यही एजुकेशनल फिलोसफी का काम है. इट हेल्प्स हिम टू ग्रेस्प, इट हेल्प्स देम या इट हेल्प्स टीचर्स टू ग्रेस्प अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. इट फर्दर हेल्प्स वन टू चेंज और मॉडिफाई वन्स एक्टिविटीज टू अटेंड द डिजायर्ड एंड और गोल. यानी कि क्रिटिकली हमको हर एस्पेक्ट को देखना है. और अ क्रिटिकल फंक्शन इवेलुएट्स द फेनोमेना ऑफ or process and compares it with the philosophy's opinion, that is as the name implies, criticizes, draws conclusion and gives a conclusion. मतलब ये चीजों को totality में देखेगा. जब आप critical function देखेंगे educational philosophy का, आलोचना करके कमी बताएगा और हमको निष्कर्ष बताएगा और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा. द एक्सपर्ट, या आप कह सकते हैं इवेलुएशन करेगा, है ना. द एक्सपर्ट इवेलुएशन ऑफ फिलोसफी इज ब्रॉडर देन इन अदर साइंसेज एंड इज गाइडेड बाय वेरियस क्राइटेरिया व्हिच फॉर सम अदर डिसिप्लिन्स डू नॉट मेक सेंस. Dealing critically with different aspects of education is another important function of educational philosophy. That way, it examines the contents, the methodology in the sphere of education and refines it, modifies it to make it fully suitable. यानी कि इस काल के, जैसे मान लीजिए आपका डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और हम आपसे कहें कि नहीं हम ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाएंगे, तो ये क्रिटिकल फिलोसफी आपको कहेगी कि नहीं, ऑनलाइन इस वक्त जमाने की, समाज की, पढ़ानी, टीचिंग लर्निंग की, विद्यार्थियों की मांग है. तो आप उसमें कंटेंट को चेंज कीजिए, मेथोडोलॉजी चेंज कीजिए, रिफाइन करिए, मॉडिफाई करिए, ताकि जो समकालीन दशा है उसके हिसाब से आप टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी इंस्ट्रक्शन करिकुलम बना सकें जो उसके सूटेबल हो उसके लिए. तो कहने का मतलब कि एजुकेशनल फिलोसफी क्या करती है हम ये जानते थे, लेकिन वो कौन कौन से हेड के अंतर्गत अपने काम करती है, तो वो यही तीन हेड है जो ब्रूबेकर ने बताए. और कई बार नाम से पूछे जाते हैं कि स्पेक्युलेटिव फिलोसफी क्या है, नॉर्मेटिव क्या है, क्रिटिकल क्या है, तो आप गलत करेंगे इसलिए नहीं, तो बात यही सब है जो पहले भी हुई थी. तो नॉर्मेटिव फिलोसफी हमको नॉर्म सेट करके बताती है कि ये सही है ये गलत है. स्पेक्युलेटिव फिलोसफी हमको एकदम चिंतन करना सिखाती है, रिफ्लेक्ट करना है हर बात का. और क्रिटिकल फिलोसफी हमको चीज़ों को इन टोटैलिटी, हर एस्पेक्ट का इन डेप्थ अध्ययन करके क्या सही है उस तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है. ओके, तो ये रहा शैक्षिक दर्शन. आई थिंक कि अब शैक्षिक दर्शन में कोई टॉपिक नहीं रह गया है. आई थिंक सो. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.